कहते हैं ना कि हर वो चीज़ जिसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है और जीभ को पसंद नहीं आता, वो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जैसे करेला, नीम आदि, इन्हीं में से एक मेथी दाना है। मेथी हर घर में बड़ी आसानी से मिलने वाला मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मेथी कोई मामूली मसाला नहीं है, बल्कि औषधीय गुणों और ढेर सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। डायबिटीज कंट्रोल करना हो, पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर करनी हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ठीक करनी हो, या फिर वेट लूज करना हो, मेथी की खूबियां इन सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकती हैं। शरीर के हर तरह के दर्द को भी दूर करती है मेथी। मेथी का सेवन करने से शरीर में होने वाले कई तरह के दर्द से राहत मिलती है। बार बार भूख लगने की समस्या भी दूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर मेथी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। वैसे तो आप मेथी को पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो, मेथी की चाय बना सकते हो, मेथी को अंकुरित करके खा सकते हो, या फिर शहद के साथ सीधे भी खा सकते हो। लेकिन मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स का पूरा फायदा उठाना है तो हर दिन मेथी का पानी पीना चाहिए। मेथी का पानी बनाने के लिए आपको एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें पानी डालें। 2 चम्मच मेथी दाने को उस पानी में डालकर रात भर भिगोने के लिए रख दें। सुबह उठकर पानी को छान लें और खाली पेट सबसे पहले इस पानी का सेवन करें। इसके अलावा आप इस तरह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 1 चम्मच मेथी दाने को पैन में बिना तेल के हल्का सा फ्राई कर लें और फिर ब्लेंडर में डालकर उसका पाउडर बना लें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी का पाउडर डालें, मिक्स करें और हर सुबह खाली पेट इस पानी को पिए। इससे आपके हर प्रकार के जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी मेथी रामबाण है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत है, उनके लिए तो मेथी मानो रामबाण की तरह है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही तरह के डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होती है। मेथी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करती है। साथ ही मेथी में अमीनो एसिड भी होता है, जिसे एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी माना जाता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और खून में मौजूद शुगर को तोड़ने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मेथी बहुत मददगार होती है। शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करती है मेथी। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करती है और शरीर में फैट को जमने से रोकती है। अगर 2-3 महीने तक हर दिन नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन किया जाए तो निश्चित तौर पर शरीर में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल में काफ़ी कमी आती है। फीवर और गला खराब होने पर मेथी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर नींबू और शहद के साथ मेथी का सेवन किया जाए तो बुखार में आराम मिलता है। इसके अलावा मेथी में सर्दी खांसी की वजह से अगर गले में दर्द हो रहा हो या गला खराब हो तो उसमें भी मेथी का पानी आपके काफ़ी मदद कर सकता है। वजन को घटाने में बहुत हेल्प करता है मेथी का पानी। एक बार सुबह खाली पेट में मेथी का पानी पी लिया तो लंबे वक्त तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख जल्दी नहीं लगती, क्योंकि मेथी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जब आप कम खाएंगे, कम कैलोरीज का सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है वजन भी कंट्रोल रहेगा, साथ ही साथ पेट फूलने की दिक्कत भी नहीं होगी। अगर चाहें तो मेथी के पानी के साथ साथ मेथी को कच्चा दिन भर में 2-3 बार चबा सकते हैं। इससे भी वेट लॉस होने में काफ़ी मदद मिलती है। डाइजेशन को स्ट्रोंग बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है मेथी। हर दिन सुबह खाली पेट मेथी के पानी का सेवन करने से सीने में जलन होना, अपच, एसिडिटी, कब्ज और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। चूंकि मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है,
लिहाजा शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है और पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। लिहाजा बेहतर पाचन के लिए हर दिन सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, इस तरह मेथी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसके एक नहीं अनेकों गुण हैं। तो मेथी का पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही बेहतर और नेचुरल तरीका है, जिससे आप अपने शुगर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं, अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।